आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद चार अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित को चुनिए। प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तक सभी पाठ्य पुस्तकें हैं। उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी ने प्रकाशित किया है। तो इसमें हमें दिया गया है कि प्रभाकर की के द्वारा सभी लिखी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, और उसकी कुछ पुस्तकों को ये ले सकते हैं। अब उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इसकी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। तो प्रभाकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, और ये प्रभाकर द्वारा लिखी गई हैं, प्रभाकर द्वारा लिखी गई हैं। अब इसमें से उसकी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, तो ये पीताम्बर पब्लिकेशन ने कुछ पुस्तकों को पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये बैन आरेख हो गया, तो पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ पुस्तकों को पीताम्बर कंपनी ने प्रकाशित किया है। प्रभाकर द्वारा लिखे कुछ समीक्षात्मक निबंधों को पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी ने प्रकाशित किया है, इसमें निबंधों का कोई बात नहीं कही गई है। प्रभाकर द्वारा कुछ लिखी कुछ पुस्तकों को पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी से पृथक अन्य प्रकाशनों ने प्रकाशित किया है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो पीताम्बर पब्लिकेशन ने प्रकाशित किए हैं और अन्य को दूसरे प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करता है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, करता है नहीं करता है, तो हमारा विकल्प सी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।